भले ही करनाल में आज शुक्रवार से मल्टीप्लेक्स खुल चुके हैं, लेकिन करनाल के सुपर मॉल स्थित मल्टीप्लेक्स में पहले दिन शो को देखने के लिए एक भी दर्शक नहीं पहुंचा। मल्टीप्लेक्स में सन्नाटा पसरा रहा, कुर्सियां खाली रही, सिनेमा हॉल में तैनात कर्मचारी दर्शकों के इंतजार में बैठे रहे। हालांकि आज 50% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके मल्टीप्लेक्स दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में नाकाम रहे। मल्टीप्लेक्स के मैनेजर का तर्क है कि जो फिल्में यहां लगाई गई हैं वह पुरानी हैं। इन पिक्चरों को ज्यादातर लोगों ने अपने घरों पर नेट के जरिए देख लिया है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते नई फिल्म आएगी तो दर्शक भी अपनी पसंद की पिक्चर देखने के लिए यहां उमड़ेंगे। हालांकि यहां सिनेमा हॉल में किसी दर्शक के ना पहुंचने से मल्टीप्लेक्स में काम करने वालों में मायूसी और निराशा देखी जा सकती है। आपको बता दें कि 22 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। कोरोना काल की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान सिनेमा सबसे आखिरी में खुलने वाले संस्थानों में शामिल है। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री भी बंद पड़ी रही। सिनेमा जगत से जुड़े लोगों ने नई फिल्में बनाने से गुरेज किया। जो फिल्में बनी हुई थी वो रिलीज नहीं हो सकी। कुछ एक ने OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज की, लेकिन इससे मल्टीप्लेक्स वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भले ही सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, लेकिन जब तक नई फिल्में नहीं लगेंगी तब तक दर्शकों का मल्टीप्लेक्स में आना संभव नहीं लगता। यहां आपको बता दें कि कोरोना का डर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर अभी भी जरूरी बने हुए हैं। ध्यान रहे कि होटल इंडस्ट्री के खुलने के कुछ दिनों तक वहां भी कारोबार मंदा था। कुछ लोग डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। इतनी देर अभी लोग सिनेमा हॉल में बैठने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि सर्दियों में कोरोना केसों के बढ़ने का दावा किया जा रहा है और साथ ही अभी तक कोई वैक्सीन भी बाजार में नहीं आई है, लिहाजा लोग रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मल्टीप्लेक्स हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है। बॉलीवुड सितारों से लेकर फिल्म देखने के दौरान चने बेचने वाला तक मल्टीप्लेक्स पर निर्भर है। देश में यह संख्या लाखों में हो सकती है। एक शहर में एक मल्टीप्लेक्स में अगर 3 ऑडिटोरियम है तो सभी में रखरखाव के लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से सिनेमा से लाखों रोजगार पर भी संकट के बादल हैं। बहुत से लोगों की तो छुट्टी भी कर दी गई होगी या वेतन में कटौती हुई होगी। 7 माह से मल्टीप्लेक्स बंद थे तो मालिक पैसों का भुगतान कहां से करते। सर क्या कुछ कहेंगे, आज जो सिनेमा हॉल खुल चुके हैं तो आज का सर क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, आज फर्स्ट डे, फर्स्ट मतलब आफ्टर कोविड सिनेमा ऑपरेशन में है, हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं अभी पब्लिक में थोड़ा शायद डर है कि अभी कोविड का इम्पैक्ट है, तो इसलिए कोई अभी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ और मूवीज आएंगी नई, तो और कुछ भरोसा पब्लिक को होगा बाहर निकलने के लिए, तो हमें मतलब क्राउड देखने को मिल सकता है। सर क्या मानते हैं, 7 महीने बाद एक बड़ा फैसला आया था लेकिन जो गाइडलाइंस थी उनका भी पालन किया गया, तो सर क्या क्या मानते हैं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया इस फर्स्ट दिन? रिस्पॉन्स फर्स्ट सेफ्टी है, पहले पब्लिक खुद को सिक्योर फील करती है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है। जब वो खुद सिक्योर फील करेंगे और कुछ नई मूवीज आएंगी, प्रोमोज होंगे, क्योंकि अभी नई मूवीज नहीं है, पाइपलाइन में नहीं है, अभी पुरानी से है, तो पुरानी का हो सकता है लोगों ने वेब पे देख चुके हैं या फिर पहले देख चुके थे। तो अभी हमारा खोलने का सिर्फ नजरिया ये है कि एक बार हम देख पाए कि कस्बर आ रहे हैं और अपने आप को सेफ फील करें। सर आपकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है कोविड-19 को लेकर? हमारी तरफ से हर वो व्यवस्था की गई है जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन मिले थे। सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, और सीटिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर दी है, पहले से हाफ कर दी है। तो मार्किंग भी की हुई हमने अलग अलग स्पॉट्स पे कि क्या यूज करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.